किसी भी समाज के लिए उसका प्रशासन एक अभिन्न अंग होता है और समाज को विकसित करने में प्रशासन की अहम भूमिका होती है। लेकिन प्रशासन अच्छा हो इसके लिए कई सुधारवादी आंदोलन चलाए गए, जैसे नवलोक प्रशासन है, नवलोक प्रबंध है। लेकिन जिस समय नवलोक प्रबंध की तरफ लोगों का झुकाव था, वही उसी दौरान कुछ लोग अच्छे शासन की मांग कर रहे थे। अच्छा शासन का मतलब होता है सुशासन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सुशासन ये है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में, साथ ही साथ ये आया कैसे। जब लोग नवलोक प्रबंध के समय ज्यादातर बाजार को प्राथमिकता दे रहे थे, तो उस दौरान सुशासन का ये जो अवधारणा है वो कैसे आई, हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हेलो, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारा प्रशासन पर। यहाँ पर आपको लोक प्रशासन से संबंधित अनेक वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आप लोक प्रशासन के छात्र हैं या सरकार कैसे काम करती है इस विषय में आपकी गहन रुचि है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। जो वीडियोस अवेलेबल हैं आप उनको देख सकते हैं, और अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वापस से मुड़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और आज का हमारा मुद्दा है सुशासन। सुशासन यानी कि अच्छा शासन, इसको गुड गवर्नेंस भी बोलते हैं। देखिए आज के दिन ये हर एक समाज की जरूरत है और एक प्रबल मांग बन चुकी है। इसका अर्थ होता है अच्छा शासन। और अच्छा शासन हम किसको कहेंगे, ऐसा शासन जो जनता की अपेक्षा पर, जनता की मांग पर सही खरा उतरता हो। लेकिन इस शब्द को अलग अलग अर्थ दिए गए, लेकिन सुशासन को समझने के लिए आपको शासन को समझना होगा। जैसे एक अच्छा शासन हो जो लोकतांत्रिक पद्धति पर हो, जैसे लोकतंत्र को अब एक एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेके चलते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया को लोग पसंद क्यों नहीं करते, वहां के शासन पद्धति के अनुसार वहां पर जो राजा है या जो उनका लीडर है एक प्रकार से, वो क्या एक निरंकुश तंत्र दर्शाता है। निरंकुश तंत्र मतलब सिर्फ राजा की ही मांग चलती है, लीडर की ही जो मनमर्जी होती है वो चलती है, जनता का कोई कंट्रोल नहीं होता उसके ऊपर। वहीं अगर हम बात करें लोकतांत्रिक देश की, तो लोकतंत्र में जनता की मांग को ज्यादा अहमियत दी जाती है, जनता की पसंद को ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो हुआ ये कि 1990 के दशक में विश्व बैंक सुशासन की अवधारणा को वापिस से समाज में लेकर के आया। ऐसा नहीं है इससे पहले था नहीं, सुशासन के बारे में कभी किसी ने जिक्र नहीं किया। आप अगर पुराने टेक्स्ट को देखोगे, पुरानी किताबों को देखोगे, इवन जो एंशियंट टाइम में है वहां पर भी सुशासन की बात हुई है। लेकिन आधुनिक काल में विश्व बैंक की जो रिपोर्ट थी 1992 की, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वहां पर सुशासन की अवधारणा वो और भी ज्यादा अच्छे से उन्होंने बताई। इस रिपोर्ट के अनुसार शासन क्या होता है, सत्ता प्रयोग करने के वे तरीके हैं जो कोई देश अपने सामाजिक आर्थिक संसाधनों के प्रबंधन में प्रदर्शित करता है। देखिए शासन हम किसको कहते हैं, शासन का मतलब ये होता है कि जो आपकी सरकार है, सरकार कौन है, सरकार है जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली। सरकार के पास कुछ संसाधन है, कुछ आर्थिक संसाधन है, कुछ सामाजिक संसाधन है, और उन संसाधनों का प्रयोग करती है वो किसके लिए, जनता की भलाई के लिए। और ये सब जब हो रहा है तो हम क्या कह रहे हैं, शासन हो रहा है। और ये शासन अच्छा होने का मतलब कि सरकार के पास ये जो संसाधन है, संसाधन के प्रबंध में जो काम हो रहा है, जो फैसले लिए जा रहे हैं, वहां पे सिर्फ सरकार की ही मनमर्जी ना चले, वहां पे जनता की राय भी पूछी जाए, तभी हम कहेंगे कि शासन जो है वो सही से हो रहा है, क्योंकि जैसा जनता चाहती है उसकी मांग के अनुरूप जो है वो काम हो रहा है। हम वापिस से आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। उम्मीद करती हूँ आपको शासन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो शासन होता कैसा है, देखिए पहला तो होता है कि सत्ता का स्वरूप कैसा है, यानी सरकार कैसी है, क्या वो एक प्रजातांत्रिक सरकार है, सैनिक है यानी मिलिट्री रूल है जैसे म्यांमार के अंदर था, या फिर निरंकुश तंत्र है जैसे हम नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं। सत्ता प्रयोग के तरीके कि चलिए ठीक है कि आपके पास राजनीतिक जो सत्ता है उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, वे तरीके या प्रक्रिया जिसके अनुसार आर्थिक सामाजिक विकास हेतु आपके पास जो संसाधन है आप उनका प्रयोग करते हो। और सक्षमता यानी सरकार कितनी सक्षम है लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए। तो थोड़ा सा विश्व बैंक ने राजनीतिक सत्ता के स्वरूप को छू करके सुशासन की अवधारणा को थोड़ा सा अलग रूप दे दिया है। अगर हम पहले से समझें तो सुशासन का संबंध राजनीतिक सत्ता के स्वरूप से नहीं है, बल्कि सत्ता किस तरीके से प्रयोग में लाई जाती है उससे है। यानी कि ये जो दो कसौटियां हैं ये मिलकर के ही, ये अवधारणाएं मिलकर के ही सुशासन के शब्द को, सुशासन के अर्थ को सही से स्पष्ट करती है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीजें जरूरी हैं अगर हम कहें भारत में सुशासन की आवश्यकता है और लागू किया जाना चाहिए, तो हमें क्या क्या चीजें चाहिएंगे। तो विश्व बैंक ने कुछ तत्वों की पहचान करी है, जैसे पहला आता है
राजनीतिक उत्तरदायित्व और सत्ता के प्रयोग की वैधानिक स्वीकृति। जैसे सरकार जो है वो हर 5 साल में चुनाव लड़ती है और हर बार किसी दूसरे राजनीतिक दल को जो अच्छा काम कर रहा है जनता उसको चुनती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जनता सरकार को वैधानिक स्वीकृति दे रही है सत्ता के प्रयोग की। ठीक है, ये पहला एस्पेक्ट है। दूसरा, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक आदि सभी समाज के समूहों को अपने संघ बनाने के साथ साथ सरकारी कामकाज में भाग लेने की स्वतंत्रता और अवसर होना चाहिए। जनता का जो रोल है, जो भूमिका है जनता की, महज चुनाव तक सीमित ना रहे, चुनाव के बाद में भी जनता जो है वो शासन प्रक्रिया की एक अहम भागीदार बने, इसके लिए जरूरी है कि समाज का हर समूह, हर हिस्सा जो है समाज का, वो भाग ले पाए। स्वतंत्र न्यायपालिका हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा प्रशासन उत्तरदायी और पारदर्शी होना चाहिए। जैसे आज के दिन हमारे पास आरटीआई है। आरटीआई में क्या होता है कि अगर आपको सरकार के बारे में कुछ जानना है तो आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर आपको जो जानकारी चाहिए सरकार से वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा प्रशासनिक प्रणाली कार्य कुशल हो, पारदर्शी हो, दक्ष और प्रभावी हो। देखिए, ये कहा जाता है कि जो प्रशासनिक प्रणाली है वो काफी, एक कहते हैं ना, मिस्टीरियस वे से, काफी ना लोगों को ज्यादा पता नहीं होता प्रशासन कैसे काम करता है। सरकार का तो चलो हमें थोड़ा बहुत पता है, बट प्रशासन एक्चुअल में कैसे काम करता है इसको लेकर के बहुत ज्यादा क्लैरिटी हमारे पास नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। तो पारदर्शिता लानी पड़ेगी, तभी जाकर के सुशासन जो है वो स्थापित किया जा सकेगा। इसके अलावा सरकार और समाज के मध्य निरंतर सहयोग स्थापित हो, ये जरूरी है। लोक नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया, सरकारी कार्यों के निष्पादन पर जन नियंत्रण हेतु सूचना का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले। जनता के पास आज के दिन आरटीआई है, आरटीआई मतलब सूचना का अधिकार है, और साथ ही साथ जनता के पास ये स्वतंत्रता भी है कि वो अपनी बात सरकार के सामने या मीडिया के सामने वो रख सकती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी उसके पास है। तो ये भी सुशासन का एक इम्पॉर्टेंट जो है एलिमेंट है, तत्व है। तो इन सारी चीजों से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सुशासन वह आदर्शात्मक प्रशासनिक स्थिति है जिसे शासन को प्राप्त करना है, एक अच्छा शासन हो। ठीक है, तो इसी दौरान एक चीज और आप याद रख के चलिए कि जिस टाइम जो दुनिया है वो नवलोक प्रबंध की बात कर रहे थे, नवलोक प्रबंध मीन्स अगर मैं शॉर्ट में कहूँ एनपीएम की बात कर रहे थे, उसी दौरान आपको ध्यान होगा 1992 में ऑस्बोर्न और गैबलर की जब किताब आई थी उसके बाद में नवलोक प्रबंध जो है वो अपने पीक पर पहुंचा था। उसी दौरान जो है वो सुशासन की अवधारणा जो है चल रही थी। तो ऐसा नहीं है पहले ये आया फिर ये आया, ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। जिस टाइम पे बाजार को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है उसी टाइम पर बची खुची जो सरकार है, एक तरीके से कह सकते हैं, बची खुची तो नहीं बट हाँ ये कहा गया कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसमें जनता की भागीदारी हो, सरकार ज्यादा पारदर्शी हो, प्रशासन ज्यादा पारदर्शी हो, कार्य कुशल हो, न्यायपालिका स्वतंत्र हो और आम आदमी को ज्यादा अधिकार मिले, तभी जाकर के सुशासन की अवधारणा जो है वो ज्यादा कारगर हो पाएगी। चलिए, इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आप हमारे लोक प्रशासन के नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज में इंटरेस्ट है, आप चाहे यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, पीसीएस के लिए, नेट के लिए, तो आप बिल्कुल हमारे नोट्स परचेज कर सकते हो। या फिर आपने मान लीजिए बीए के लिए आपने सोचा है नोट्स परचेज करने का, या फिर बीए में एडमिशन लेने का आपने सोचा है, एमए में सोचा है, और उस टाइम आपने चूज किया है कि मैं लोक प्रशासन से पढ़ाई करूं और आपको प्रशासन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, तो आप बिल्कुल नीचे दिए गए नंबर पर आप एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करके अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल है 9896859767, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको लेटेस्ट लेक्चर्स की अपडेट जो है वो मिलती रहेगी। जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही हो तो, और जो आप बेल आइकन हिट करते हैं वहां पर आप ऑल जो है वो सेलेक्ट करें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचे और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए, जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।